केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में विकास योजनाओं का जाना हाल, कहा योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं। कस्तूरबा उच्च विद्यालय में किया पौधों का वितरण। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे, पार्टी के कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। 16 जुलाई को रांची आएंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने देवघर के मधुपुर में समीक्षात्मक बैठक में लिया हिस्सा, जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश। और गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र में वज्रपात से 2 महिलाओं की मौत, 3 महिलाएं झुलसी, 4 बकरियों की भी मौत, सरकारी प्रावधान के अनुसार मिलेगा मुआवजा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। गिरिडीह में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र प्रायोजित महत्वपूर्ण योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण ढंग से तेज गति से जमीन पर उतारने की हिदायत दी। बिजली की व्यवस्था हो, वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था हो, और बच्चों के लिए अगर वहाँ पे जगह है तो पोषण वाटिका, और उसके अलावा बच्चों को उसके जो एक्टिविटी के लिए वहाँ पे इंटरनेट और एक स्क्रीन की व्यवस्था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के स्तर पर अगर कोई योजना लंबित है तो उसके समाधान की दिशा में पहल की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में धन की कोई कमी नहीं होगी। अभी कुछ जगह पे ये बातें हुई हैं तो पत्राचार उनके में चिट्ठी है, मांगे हैं, वो चिट्ठी मिलेगा तो हम जरूर उसको कोशिश करेंगे, चाहे वो महिला बाल विकास से संबंधित विभाग का मामला हो या अन्य मामला हो। बैठक के बाद गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने जिले में विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं जिस पर अमल होगा। उन्होंने बताया कि कई योजनाएं सरकार के स्तर पर लंबित हैं, लिहाजा उनसे इसके समाधान का आग्रह किया गया है। समाज कल्याण विभाग, बाल संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, पीएचईडी और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की समीक्षा की गई। चूंकि माननीय सांसद कोडरमा के नाते मैडम के द्वारा दिशा की बैठक की भी अध्यक्षता की जाती है, तो अन्य बाकी विभाग भी यहाँ उपस्थित थे और उनसे भी एक संक्षेप में चर्चा की गई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी विकास कार्यों के प्रति बेहद संजीदा नजर आ रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि तंत्र भी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा जिससे जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सकेंगी। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की बच्चियों से मुलाकात कर उनके पठन पाठन समेत विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री ने बच्चियों को मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बच्चियों के बीच पौधों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा भी मौजूद थे। मैं यूएचएस लुपी बेगाबाद प्रखंड से केसरी नंदन सहायक शिक्षक और धन्यवाद दूंगा मैं एक बार फिर से। राज्यभर में भाजपा द्वारा अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पार्टी नेता शामिल हो रहे हैं। इस सिलसिले में केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी आज एक दिवसीय दौरे के क्रम में रांची पहुंचे। इस दौरान बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उनका स्वागत किया। वे आज पार्टी द्वारा खिचड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धुरुआ के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वे कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। भैया 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 थोड़ा दाटिए ना भैया। सर सर झारखंड को प्रणाम, झारखंड की जनता को प्रणाम, और अब लोग चुनाव की तैयारियों में जुटे।
वहीं 16 जुलाई को असम के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंत विश्वास शर्मा के रांची आने का कार्यक्रम है। वे तोरपा और खूंटी विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 17 जुलाई को प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड दौरे पर रहेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश भाजपा का सांगठनिक कार्यक्रम लगातार जारी है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के नजदीक सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ता अभिनंदन सह संकल्प सभा में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। श्री सेठ ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया ताकि राज्य में एनडीए के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो सके। इस मौके पर रांची के विधायक सीपी सिंह और बड़ी संख्या में अन्य नेता और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने रोजगार और विकास के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। चतरा और सिमरिया में पार्टी के विजय संकल्प सभा में शामिल होने के बाद हजारीबाग पहुंचने पर पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान श्री मुंडा ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड की डेमोग्राफी भी खतरे में है। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प सभा का आयोजन हुआ। आज मैं दो चतरा और सिमरिया दो विधानसभा क्षेत्रों में गया था। कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए उनके उत्साह को देखा कि कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और इस राज्य के दुर्दशा और राज्य के अवस्था से राज्य की जनता जो पीड़ित है उसके प्रति एक आक्रोश के राज्य को जिन उद्देश्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाया गया था वो धूल धूसरित हो रही है। सत्ता लोलुपता की राजनीति चल रही है और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने में विफल। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने देवघर जिले के मधुपुर स्थित नगर भवन में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को तेज गति से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए ताकि जरूरतमंदों को योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सके। बैठक में जिले के उपायुक्त विशाल सागर भी मौजूद थे। आसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में दिव्यांगता के 17 श्रेणियों को शामिल नहीं किए जाने का मामला उठाया है। श्री महतो ने बताया कि इस कारण कई अभ्यर्थियों को आरक्षण से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने छात्र और दिव्यांग हित से जुड़े इस मामले पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा स्थित राजकीय कृत्य प्लस टू विद्यालय के 850 विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण किया गया। शिक्षा के प्रसार के लिए जहां एक ओर सतत प्रयास हो रहे हैं वहीं विद्यार्थियों को भी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इस सिलसिले में पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा राजकीय कृत्य प्लस टू विद्यालय में बीजीआर माइनिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड, रोटरी क्लब, जुबली हिल्स और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 850 विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण हुआ। इस मौके पर वन प्रमंडल पदाधिकारी सौरभ चंद्रा ने भरोसा जताया कि इससे विद्यार्थियों को काफी सुविधा होगी। हमने राज्यकृत हाई स्कूल अमरापाड़ा के सारे बच्चों को साइकिल वितरण किया है। एक भी बच्चे छूटे नहीं है। ये हमारे सीएसआर कार्य के तहत हुआ है। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जितने भी बच्चे हैं उनको स्कूल आने में कुछ असुविधा ना हो। इस मौके पर बीजीआर माइनिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड के पीआर संजय बेसरा ने बताया कि राजकीय कृत प्लस टू विद्यालय अमरापाड़ा को बीजीआर द्वारा गोद लिया गया है। विद्यार्थियों को सीएसआर के तहत साइकिल प्रदान किया गया है ताकि उनका आना जाना सुगम हो सके। बीजीआर के सीएसआर एक्टिविटी के एक कार्यक्रम के तहत हम लोग आज इस विद्यालय प्रांगण में साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इकट्ठा हुए थे। निसंदेह ये एक बेहद सराहनीय कार्य किया गया है। इस मौके पर साइकिल पाने वाले विद्यार्थी खासे हर्षित दिखे।
मौके पर उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। दुमका के उपायुक्त ए डोडे ने जिला स्तरीय स्कूल रुआर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर बल दिया। इस मौके पर रांची में आयोजित राज्य स्तरीय TLM मेला में पुरस्कृत शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। राज्य में सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए बड़ा अभियान शुरू हुआ है। इसके तहत स्कूल छोड़ चुके बच्चों और अनामांकित बच्चों के लिए महीने भर चलने वाले रुआर कार्यक्रम का कल आगाज हुआ। दुमका के कन्वेंशन सेंटर में उपायुक्त ए डोटे ने इसका उद्घाटन करते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर बल दिया। इन सारे बच्चों का एनरोलमेंट जरूर करा लेते हैं, उसके बाद ये भी इंश्योर करना है कि बच्चे रहें स्कूल में और पढ़ाई क्वालिटी एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं। और हम इसलिए इस बार भी हम लोग वही किया है, अगले साल भी हम लोग वही करेंगे। जहाँ बच्चों का परसेंटेज हाजिरी में भी कम है या उनका 5% भी कम है, हम लोग सभी को बता रहे हैं, इंक्लूडिंगली आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो शिक्षा विभाग में है उनको पर भी हम लोग बता रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि बच्चों के पठन पाठन में किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन विद्यालयों का प्रदर्शन खराब होगा उन्हें चिन्हित करते हुए कार्रवाई भी की जाएगी। बच्चों को पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से दूर करें। शिक्षा विभाग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि टीचर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में मत रखें। यहाँ टीचर्स कुछ जीरो में एंगेज था, इलेक्शन का टाइम है, 200 या 250 इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के विद्यालयों में वापसी के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया। उन्होंने बताया कि 18 जुलाई को सभी प्रखंड में कार्यशाला आयोजित की जाएगी, उसके बाद विद्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इस अवसर पर उपायुक्त ने राज्य स्तरीय TLM मेला में पुरस्कृत शिक्षकों को भी सम्मानित किया। दुमका से RK नीरत की रिपोर्ट। नाबार्ड द्वारा रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित तरंग मेला लगातार लोगों को आकर्षित कर रहा है। मेले में खूंटी जिले के जरियागढ़ के कांसा बर्तन का स्टॉल आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये कांसा बर्तन जरियागढ़ गांव में साहू समुदाय की सदियों पुरानी विरासत का प्रतीक है। रांची के मोराबादी मैदान में नाबार्ड द्वारा आयोजित तरंग मेला में 5 राज्यों के FPO की ओर से दर्जनों स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें खूंटी जिले के जरियागढ़ के कांसा बर्तन का स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खूंटी में बनने वाले इस कांसा बर्तन का विशेष पारंपरिक महत्व है और यह सभ्यताओं का जीवंत उदाहरण भी है। साथ ही जरियागढ़ गांव में साहू समुदाय की सदियों पुरानी विरासत का प्रतीक भी है। ठाकुर महेंद्रनाथ शहदेव के वंशज जयेंद्रनाथ शहदेव ने बताया कि साहू समुदाय ने पिछले 300 वर्षों से इस शिल्प को जीवंत रखा है। हमारे यहाँ 300-400 सालों से जो कांसा का बर्तन बनाया जा रहा है वो हमारे राजा जी जो थे हमें उड़ीसा हम लोग को उड़ीसा से लाए हुए थे, तो हम लोग जितना जानते हैं वो बचपन से लाए हुए थे जानते हैं और जो देख रहे हैं कांसा का बर्तन से बनाते हुए। कांसा बर्तन बनाने वाले एक कारीगर ने बताया कि समुदाय के लोग उत्पादों के लिए कच्चे माल के रूप में स्थानीय घरों और दुकानों से टूटे हुए कांसे के बर्तनों को इकट्ठा करते हैं। सबसे खास बात यह है कि बर्तनों की उम्दा कारीगरी सुनिश्चित करने के लिए बर्तन बनाने की प्रक्रिया हर रात लगभग 1 बजे से शुरू होती है। वहीं शुरुआती कार्यों के बाद महिलाएं अंतिम आकार और रूप देने के लिए अपने कलात्मक स्पर्श का योगदान देती हैं। और शायद 300 परिवार हम लोग गाँव में ही काम धंधा पहले से पहले उड़ीसा से हम लोग पूर्वज आए यहाँ पर आए और पहले राजा महाराज हम लोग बैठाए तो वही हम लोग शुरुआत बर्तन का कारोबार किए। ठाकुर महेंद्रनाथ शहदेव के वंशज आशुतेंद्रनाथ शहदेव ने बताया कि कांसा बर्तनों को पवित्र माना जाता है। पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर में भी केवल कांसे का बर्तन ही उपयोग में लाया जाता है। कांसा बर्तनों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी है। के जीवन में जो सबसे बड़ा आदमी का भी जो समस्या है डायबिटीज का है, ब्लड प्रेशर का है और जैसे बच्चों का दिमाग का जो विकास है उसमें कांसे का बर्तन में खाने से यूज़ करने से वो हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है और ये हमारे जीवन में जो रोज़मर्रा के जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं छोटी छोटी शारीरिक समस्याएं आ रही हैं उनमें ये बहुत मदद करता है, इसलिए कांसे का बर्तन हमेशा यूज़ करना चाहिए, ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है। जरियागढ़ में साहू समुदाय द्वारा विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जाता है।
इन बर्तनों को बनाने में किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नाबार्ड के सहयोग से इसके कारीगरों के आर्थिक विकास के लिए, बाजार की व्यवस्था के लिए लगातार पहल की जा रही है। रांची से कैमरा पर्सन विकास के साथ शिवानी की रिपोर्ट। रांची में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रांत प्राचारकों की 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। इस बैठक में संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के अलावा सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित अखिल भारतीय कार्य समिति के सभी सदस्य, प्रचारक प्रमुख, क्षेत्र प्रचारक और सभी प्रांत प्रचारकों ने हिस्सा लिया। ठीक इसी समय अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर 3 दिनों तक चली बैठक के संबंध में मीडिया के समक्ष जानकारी साझा करेंगे। तो उत्साह के साथ लोग संघ कार्य के साथ जुड़ रहे हैं और हम भी उनके लिए नए नए प्रशिक्षण की योजना कर रहे हैं। शाखाओं में भी उनके सुविधा के अनुसार दैनिक शाखा, साप्ताहिक मिलन, शाखा का समय भी सुबह, शाम, रात्रि शाखा, इस तरीके से अलग अलग प्रकार की योजनाएं रख रहे हैं ताकि जो सारे लोग देश के काम में जुड़ना चाहते हैं संघ के माध्यम से, उनके लिए अवसर हम दे सकें। जहाँ जिन गाँवों में मतलब आपको जानकारी होगी कि जब अयोध्या के राम मंदिर के लिए जो ग्राम संपर्क अक्षत लेकर संघ के संयोजक भी उसमें जुड़े थे, तो वो संपर्क लगभग 6.25 लाख गांवों में हुआ था। और इसी तो ये दिखाता है कि 15 दिन के अंदर ही संघ के संयोजक इतनी मात्रा में लोगों के पास कि ये जागरण पत्रिका मासिक जाती है लगभग, तो 1,58,532 इतने गांवों में जहां शाखा नहीं है, शाखा कार्य नहीं है, ऐसे गांवों में लगातार ये पत्रिकाएं जा रही है। तो इसके माध्यम से तो ये संघ का जो उद्देश्य है अपने स्थापना से कि पूरे समाज को साथ में लेकर जो समाज परिवर्तन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने राज्य की खुशहाली की कामना की। हजारीबाग के उपायुक्त नैन्सी सहाय ने चौपारण प्रखंड में हंस फाउंडेशन के CSR मद से मोबाइल मेडिकल यूनिट को रवाना किया। यह चलंत चिकित्सा वाहन सभी गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। उपायुक्त ने लोगों से मोबाइल मेडिकल यूनिट का लाभ उठाने की अपील की है। ये सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, सर्टिफाइड पूरी उनकी टीम है और जिले की तरफ से CSR के माध्यम से हम लोगों ने इनके साथ एक MOU किया है और जो भी मेडिकल बेनिफिट्स ये दे रहे हैं, ये पूरे राज्य में ये करीब 80 के अराउंड MMUs डिफरेंट जिलों में चलते हैं। तो हजारीबाग में इनका ये पहला इनिशिएटिव है और 4 MMUs इन्होंने आज जिले को दिए हैं। तो लोगों से अपील है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। धनबाद टाउन हॉल में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद की बैठक हुई, जिसमें सांसद ढुल्लू महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी और विधायक मथुरा प्रसाद महतो भी शामिल हुए। इस दौरान DMFT द्वारा संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही झरिया समेत विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस फंड का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया और विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची के हरमू रोड स्थित श्री श्याम मंदिर में आयोजित पूजन और भंडारा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने श्री श्याम प्रभु से सबके सुखमय और आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का भी वितरण किया। साहबगंज के उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा की अध्यक्षता में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इस दौरान 5,889 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान करने की स्वीकृति दी गई। साहबगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालझारी का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने चिकित्सा सेवा, उपस्थिति पंजी और साफ सफाई की स्थिति का मूल्यांकन कर सभी कर्मियों को अपने कार्य में निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करने के निर्देश दिए।
साहबगंज अंतर्गत राजमहल के अनुमंडल पदाधिकारी कपिल कुमार ने मुहर्रम पर्व को लेकर बिंगडुब्बी, मुर्कीटोला, मनसिंघा, लखीपुर, कोयला बाजार और आलमपुरा में जुलूस रूट का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक कर शांति और भाईचारे से पर्व मनाने की अपील की। पलामू में जिला स्तरीय स्कूल रुआर कार्यक्रम के तहत उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान उपायुक्त ने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सामूहिक प्रयास पर बल दिया। कोडरमा समाहरणालय सभागार में उपायुक्त की मौजूदगी में रुआर बैक टू स्कूल कैंपेन को लेकर बैठक संपन्न हुई। इस दौरान 5 से 18 आयु वर्ग के नामांकित सभी बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों का 100% नामांकन कराने जैसे विषयों पर मंथन हुआ। सरायकेला खरसावां पुलिस अधीक्षक ने RTI थाना चौक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों से थाना क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी प्राप्त करते हुए अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की रोकथाम, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और विधि व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। चतरा में उपायुक्त की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। इस दौरान लाभार्थियों के पहचान संबंधी सूचनाओं के संग्रहण और सत्यापन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। हजारीबाग में उपायुक्त की मौजूदगी में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय अंतर विभागीय बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान सेवानिवृत्त IAS सुधीर त्रिपाठी, वीरेंद्र कुमार सिंह और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी भी मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने घाघेटी स्थित बाल सुधार गृह और संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण कर बाल बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड, रसोई, क्लासरूम और स्टोर रूम का जायजा लिया तथा बच्चों से संवाद कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली, साथ ही पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। सरायकेला उपायुक्त ने जिला समन्वय समिति की बैठक में योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा कर उन्हें ससमय पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान पर जोर दिया। गिरिडीह प्रखंड में किसानों के बीच मक्का बीज का वितरण किया गया। इस दौरान स्थानीय मुखिया और किसान मित्र भी मौजूद थे। पाकुड़ जिले में मुहर्रम का त्यौहार शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। समाहरणालय सभागार में आयोजित इस बैठक में उपायुक्त ने शांतिपूर्ण मुहर्रम संपन्न कराए जाने को लेकर प्रशासनिक तैयारियों और पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा इंतजामों की जानकारी दी। सभी से शांतिपूर्ण मुहर्रम संपन्न कराने में प्रशासन को सहयोग करने की अपील की गई। आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल की अध्यक्षता में साक्ची स्थित रविंद्र भवन में केंद्रीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मुहर्रम अखाड़ा समितियों को गाइडलाइन का पालन करने का आग्रह किया गया। साथ ही कहा गया कि जुलूस के मार्ग में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। मुहर्रम के दौरान प्रशासन की सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रहेगी। इस दौरान पेयजल, बिजली तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं पर चर्चा हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग सहित विभिन्न क्षेत्रों के थाना प्रभारी उपस्थित थे। समय से ही तैयारी की जा रही है और सभी थाना के स्तर से भी शांति समिति की बैठक कर ली गई है और मुहर्रम को लेकर के खासतौर पर सभी थाना प्रभारियों को विरोधात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मुहर्रम के दिन जो भी अखाड़े जुलूस निकालते हैं उनको निर्देश दिया गया है कि वो अपने साथ में वीडियोग्राफी की, पर्याप्त प्रकाश की और साथ ही साथ वॉलेंटियर्स की सूची अपने साथ में रखेंगे जो कि थाने के साथ साझा करेंगे, जो कि एक तरीके से थाने के साथ कोऑर्डिनेशन में रह करके पूरे जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से निकाल। राज्य में मानसून गतिविधि पिछले 36 घंटे के दरमियान सामान्य रही। कुछ स्थानों में चक्रवाती प्रवाह की स्थिति देखी जा रही है। राज्य के कई इलाकों में आज भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी संभावना है, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान साहिबगंज जिले के बोरियों में सर्वाधिक 92.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र अंतर्गत राजहारा गांव में कल वज्रपात की चपेट में आने से दो महिलाओं की मौत हो गई जबकि तीन महिलाएं झुलस गई। आकाशीय बिजली से चार बकरियों की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव में ही ये सभी लोग पशुओं को चरा रही थी, उसी वक्त बारिश के दौरान वज्रपात से ये हादसा हुआ और फिर गांव में मातम पसर गया। सूचना पाकर अंचल अधिकारी यशवंत नायक घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों के इलाज की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि वज्रपात की घटना में मृतक के परिजनों को प्रति व्यक्ति सरकारी प्रावधान के अनुसार 4,00,000 रुपए मुआवजा तथा घायलों के इलाज का खर्च दिया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में विकास योजनाओं का जाना हाल, कहा योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं। कस्तूरबा उच्च विद्यालय में किया पौधों का वितरण। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे, पार्टी के कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। 16 जुलाई को रांची आएंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने देवघर के मधुपुर में समीक्षात्मक बैठक में लिया हिस्सा, जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश। और गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र में वज्रपात से दो महिलाओं की मौत, तीन महिलाएं झुलसी, चार बकरियों की भी गई जान, सरकारी प्रावधान के अनुसार मिलेगा मुआवजा।